राज्य के SSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 70 करोड़ रुपया 5 सालों में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं द्वारा इकट्ठा किया गया। मैं कहूंगा कि उनको लूटा गया। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात एक RTI एक्टिविस्ट द्वारा RTI के माध्यम से एक जानकारी हासिल हुई, जिसमें यह पता चला कि JKSSB द्वारा सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और अलग अलग विभागों में अलग अलग नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए युवाओं को बुलाया गया। और जैसा कि JKSSB द्वारा निर्धारित एक फीस रखी होती है, नॉन गजटेड पोस्टों के लिए 350 रुपया फीस एक फॉर्म के लिए, और वहीं दूसरी तरफ गजटेड पोस्ट के लिए 1000 रुपया फीस फॉर्म भरने की रखी थी। और पिछले 5 सालों में 1 लाख युवाओं ने अपने आवेदन दाखिल किए अलग अलग पोस्टों के लिए, और 5 साल के बाद मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 5 सालों के बाद वो एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट जो निकाली थी सब कचरे के ढेर में। लेकिन मुझे बताइए, जो GAD है, क्या ये कोई प्राइवेट संस्था है या कोई प्राइवेट कंपनी है? नहीं, यह एक सरकार है, सरकार द्वारा पोस्टें निकाली जाती हैं। और JKSSB कहती है कि GAD ने रद्द कर दिया। GAD कौन है? GAD भी तो सरकार का हिस्सा है। तो यहां हमें लगता है कि गड़बड़ घोटाला जो हुआ है JKSSB और सरकार द्वारा मिलजुल के, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार युवा, जिनमें बहुत से युवा जिन्होंने बेचारे गांव से जो आते हैं पढ़े लिखे, उनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते, उन्होंने पता नहीं कैसे पैसे जोड़ जोड़ के फॉर्म भरे होंगे, और 5 साल के बाद कहा जाता है कि ये रद्द कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि JKSSB ने 2016 में मार्च महीने से लेकर दिसंबर तक 5.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 2017 में 17 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 2018 में 27 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 2019 में 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, और जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक 22 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, यानी कुल मिला के 77 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया, यह पैसा उन पढ़े लिखे गरीब बेरोजगार हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का था, जिनको नौकरी का लालच देकर फॉर्म भरने के लिए कहा गया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह बात अपनी उपराज्यपाल तक रखना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है, 77 करोड़ रुपया JKSSB के पास जो पड़ा है, यह क्यों इन्होंने अपने पास रखा, क्यों नहीं नौकरियां निकाली, अगर नहीं देनी थी तो एडवर्टाइजमेंट क्यों निकाली? और सबसे जरूरी बात, मैं जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जैसा कि पिछले वर्ष भी सरकार द्वारा कुछ नौकरियों की एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, उसमें यह था कि बाहरी राज्य के लोग भी यहां नौकरी ले सकते हैं, लेकिन युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए एक रोष प्रकट किया गया, सरकार को फिर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मैं यह अपील करूंगा कि इसमें जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, युवाओं को लूटा गया है, मैं कहूंगा कि JKSSB और JKUT प्रशासन के खिलाफ सारे नौजवान सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रोटेस्ट दायर करें। और मैं कहना चाहूंगा सरकार से भी और अपने जो JKUT प्रशासन है कि 5 सालों में जितना पैसा आया है, इसका हिसाब किताब जनता के सामने लाया जाए। और 5 सालों में कुछ लोग तो ओवर एज हो गए, नौकरी के भी मेरे फॉर्म भरा है, नौकरी लगेगी, 5 साल के बाद जब रद्द कर दिया गया, वो नौकरी से भी वंचित रह गए। मैं यह मांग करता हूं कि 5 सालों में जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, उन एडवर्टाइजमेंट को, उन्हीं लोगों को नौकरी के लिए फिर से मौका दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम JKUT प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।